नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम इस समय सीबीआई रिमांड पर हैं। दरअसल साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह घोटाले मामले को लेकर पी चिदम्बरम रिमांड पर हैं, लेकिन अभी पी चिदम्बरम को लेकर एक सनसनीखेज बयान सामने आया है जो कि मशहूर डेटा साइंटिस्ट गौरव प्रधान ने ट्वीट के जरिए दिया है। मैं उनके इस ट्वीट में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरी जानकारी हम इस मामले की आपको देने जा रहे हैं वो केवल गौरव प्रधान के ट्वीट के आधार पर ही दे रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि जो इंद्राणी मुखर्जी हैं, यानी इस मामले की जो मशहूर गवाह बनाई गई थी, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था ईडी और सीबीआई के सामने कि 1 मिलियन कार्ति फर्म जो पी चिदम्बरम के बेटे हैं उनकी फर्म को 1 मिलियन का भुगतान करने के बाद में पी चिदम्बरम ने काफ़ी बार उनके साथ सेक्स किया। इसके अलावा उन्होंने 2 लेडी एंकर की भी डिमांड की, जो कि एक तो काफ़ी नामी एंकर थी और साथ ही साथ एक जो उनमें से एंकर थी वो अब सिनेमा जगत की एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी हैं। इसके अलावा मैं उनकी सारी डिमांड पूरी कर दी गई, क्योंकि मेरा जो इनकम टैक्स का जो कर्ज था वो 300 करोड़ रुपये के आसपास का था। ऐसे में इंद्राणी मुखर्जी ने ये सारी जानकारी अपने बयान में ईडी और सीबीआई को दी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गौरव प्रधान हैं जो कि मशहूर डेटा साइंटिस्ट हैं, उनके जो बयान हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि वो हर समय कुछ ना कुछ किसी भी टॉपिक को लेकर देते रहते हैं और अपनी राय रखते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर उनके ट्वीट और जो जानकारी होती है वो सच साबित होती हैं, और ज़्यादातर उनकी जो जानकारी है वो झूठ साबित होती हैं। आपको बता दूं कि इंद्राणी मुखर्जी अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ सीना बोरा हत्याकांड को लेकर फिलहाल जेल में बंद हैं, तो वहीं पी चिदम्बरम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए याचिका डाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इससे पहले उनकी याचिका को खारिज कर चुका है कि उन्हें जमानत नहीं मिली, तो वहीं उनके जो बेटे कार्ति चिदम्बरम है साल 2018 से जमानत पर है। इन दोनों बाप बेटों के खिलाफ जो याचिका है वो इंद्राणी मुखर्जी के बयान के तहत ही डाली गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।